3 days of a successful event, what all you have to say after this closing? बहुत दिनों से ऐसी मंशा थी कि भारतीय सेना क्या कर रही है ये लोगों को पता लगे और हमें पता लगे कि इंडस्ट्री किस हद तक कितना उन्होंने क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया है और जो हमारे रिसर्चर्स हैं या एकेडमियाँ हैं उन्होंने किस हद तक सक्सेस प्राप्त की हुई है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज ये तीनों जो पायदान हैं तीनों ने साथ मिल के इतने अच्छे कदम उठाए हैं, इतनी जो हमने विचार विमर्श किया है इससे आगे आने वाले दिनों में जो हम एक कदम चला सकते थे अभी हम 3 कदम एक साथ चल पाएंगे। कैंट की शहादत पर क्या की कि सर जो कैंट ने शहादत रहा है क्या कुछ उसके डिटेल्स हैं राजौरी में जिस तरह के हालात हैं अभी हमें देख रहे हैं राजौरी में कुछ है क्या काफ़ी हॉट हो रहा है क्या देखिए मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि पुंछ राजौरी ऐसा एरिया है जहाँ पे हमने फॉरेन टेररिस्ट को लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही ख़त्म करने की कोशिश की परंतु इस एरिया में ऐसे भी हैं कि कुछ पंजाब या कुछ नेपाल और बाकी जगह से भी बाई रोड लोग आते हैं जो यहाँ पर कुछ ऐसी हरकत करना चाहते हैं। जो भी आप देखेंगे जो अभी रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें हमारे एक जवान की भी शहादत हुई है उसमें हमने बहुत अच्छी कार्रवाई की है और थोड़ी ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वहाँ ब्रिगेड कमांडर साहब हैं वो देंगे और बताएंगे क्या क्या कार्रवाई वहाँ पर हुई। कैंट की शहादत पर क्या कहेंगे तो सुप्रीम सेक्रीफाइस मेड बाय 4 लेग्ड सोल्जर टू सेव लाइफ ऑफ वन ऑफ आवर हैंडलर्स। सबसे बड़ी चीज़ यही है इंसान हो या जानवर हो हमारे में जो एक अपनापन आता है और जो एक हमारा आपसी तालमेल है वो हमेशा बना रहता है। इसीलिए जो भी हमारे कैंट की जैसे आप बात कर रहे हैं इसने अपनी पूरी जी जान लगाई और ये यकीन किया कि जो उनके हैंडलर थे उनको वो बचा सकें और इसीलिए वो सबसे पहले आगे गए और उन्होंने टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया। एक लॉयल्टी की मिसाल कायम करती उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान की बंदूक उठाते हैं और अपने लोगों को मारते हैं। सर जम्मू रीजन में लगातार आतंकी वारदातों में इजाफा हो रहा है फिर पंजाब रीजन में हम देख रहे हैं कि लगातार आतंकी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं क्या देखते हैं क्या इशारा कर रहा है। सबसे बड़ी बात यही है इसमें कि पाकिस्तान अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहा है फॉरेन टेररिस्ट को यहाँ भेजने के लिए ताकि हमारे जो भीतरी हालात हैं अंदरूनी हालात हैं उसमें किसी प्रकार की वो रुकावट पैदा कर सके। क्योंकि जो हमारी उन्नति हो रही है जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें 2022 में 1.88 करोड़ यहाँ पर हमारे पास टूरिस्ट आए थे, इस साल जो हमारा कोशिश है कि 2.25 करोड़ तकरीबन टूरिस्ट आने का हमारा सोच विचार है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए वो हर हालत में कोशिश कर रहा है और हम उसे किसी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.